WWE के रेसलर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और वर्तमान समय में रोमन रेंस तो काफी प्रसिद्ध हैं। WWE में रोमन रेंस पिछले 6 सालों से रेसलिंग कर रहे हैं। ऐसे में रोमन रेंस द्वारा WWE में कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसमें से कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस के ही नाम है, और ये रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, जॉन सीना जैसे बड़े रेसलर भी नहीं बना पाए हैं दोस्तों। तो आखिर क्या है वह रिकॉर्ड, आइए जानते हैं आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए दोस्तों। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं रोमन रेंस के बारे में वह रिकॉर्ड जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम दर्ज है। WWE में रोमन रेंस ही एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के साथ साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी अपने नाम किया है। ब्रॉक लेसनर, फिन बैलर, केविन ओवेंस जैसे रेसलरों ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो अपने नाम किया है, लेकिन अभी तक वह ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बने हैं दोस्तों। ग्रैंड स्लैम चैंपियन वह रेसलर कहलाता है जिसने WWE के सभी मुख्य चैंपियनशिप जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के साथ साथ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप में से कोई एक चैंपियनशिप कम से कम एक बार अवश्य जीती हो। रोमन रेंस के अलावा WWE में अन्य ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले रेसलर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी अभी तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीता है। तो इसके मुकाबले सिर्फ रोमन रेंस ही एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिनके नाम यह यूनिक रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों। WWE में रोमन रेंस ने सबसे पहले सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, जिसके बाद रोमन रेंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की, जिसे हारने के बाद रोमन रेंस ने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। पिछले साल द मिच को हराकर रोमन रेंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम की थी, जिसके बाद रोमन रेंस ग्रैंड स्लैम विजेता रेसलर की सूची में शामिल हो गए थे। वहीं इसी साल समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हराकर रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत ली थी। यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद रोमन रेंस ने WWE में अपने नाम का एक और रिकॉर्ड बना लिया था। फिलहाल रोमन रेंस अपनी बीमारी की वजह से WWE से बाहर हैं और सभी दर्शक बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वह कब वापस आएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि रोमन रेंस वर्तमान में ल्यूकीमिया, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, उससे लड़ रहे हैं और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जिस पर हमने विशेष वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक पसंद आएगा। आपकी रोमन रेंस के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।